हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुंद माधव किचन एमएस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बथुआ की भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इससे हम बथुआ के पराठे और कढ़ी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। इसके लिए हमने एक बंच बथुआ की भाजी ली है। भाजी को हमने धोकर साफ करके सुखा लिया है। भाजी को बारीक बारीक काट लेंगे। को काट लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमने स्टील की एक तवेली ली है। तवेली के अंदर हम छाछ डालेंगे। हमने 250 ml छाछ ली है। छाछ हमारी खट्टी है। अब हम इसमें 3 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को अच्छे से छाछ में मिला लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। हमने अच्छे से छाछ में मिला लिया है बेसन को। हमने छाछ को एक बार में नहीं डाला था। छाछ को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब अच्छे से मिला देंगे सभी सामान को। हमारी छाछ खट्टी थी, इसलिए हमने जितनी छाछ ली उतना ही पानी डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब कटी हुई भाजी डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब कढ़ी को गैस पर चढ़ा देंगे और लगातार चलाते हुए उबाल आने तक पकाएंगे। कढ़ी को हम चलाते रहेंगे ताकि हमारी कढ़ी नीचे से तले में चिपके नहीं। कढ़ी हमारी पक रही तब तक हम पराठे की तैयारी कर लेंगे। हमने 3 कटोरी का आटा लिया है। कटी हुई भाजी डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सभी सामान को अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया है। थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। Thank you.
हमने पराठे का सॉफ्ट डो लगा लिया है। अब सूखा आटा लेंगे और पराठा बनाना शुरू करेंगे। इधर हमारी तब तक कढ़ी बन के तैयार हो गई है। हम देखिए हमारी कढ़ी कितनी अच्छे से उबल रही है। हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे 5 मिनट। अब हम कढ़ी को उतार देंगे और पराठा बनाना शुरू करेंगे। हमने गैस पे एक लोहे का तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गरम हो रहा है, तब तक हम पराठा बेल कर तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक चकला लिया है। अब एक पेड़ा लेंगे और पराठा बेल कर तैयार करेंगे। पराठे आप अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तवा भी हमारा गरम हो गया है। अब पराठे को तवा पे डालेंगे। पराठा हमारा एक साइड से सिक गया है, पलट कर अब दूसरी साइड सेक लेंगे। हमारा पराठा दूसरी साइड भी सिक गया है। अब हम सरसों का तेल लगाएंगे। हमने सरसों के तेल में पराठे बनाए हैं। हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। अब हम पराठे को निकाल कर ले लेंगे और इसी तरह सारे पराठे बना के तैयार करेंगे। अब हम एक तड़का पैन को गरम करेंगे। सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को चटकने देंगे। एक चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। एक सूखी मिर्ची डालेंगे। कटा हुआ लहसुन डालेंगे। हरी मिर्च को डालेंगे काट कर। लहसुन को हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। तड़के को कढ़ी के अंदर डाल देंगे और ढक देंगे। हमारे कढ़ी पराठे बनकर तैयार है बथुआ के। आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। ये सर्दियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इन्हें सर्दियों में एक बार ज़रूर बनाएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।